हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो आज का टॉपिक है NBFCs यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जिसे हम लोग जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग NBFCs के बारे में डिटेल में जानेंगे, साथ में उसके टाइप्स, रोल्स और साथ में उसकी क्या क्या फंक्शंस है ये भी हम लोग आज के वीडियो में पूरा जानेंगे। तो ये वीडियो ना ही केवल स्टूडेंट्स जो कि स्कूल्स में है या कॉलेजेस के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये आपको यूजीसी नेट, आईएएस, यूपीएससी तक के एग्जाम प्रिपरेशंस में ये आपको काम आने वाली है। तो फिर चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए NBFCs के बारे में पहले जान लेते हैं कि NBFCs का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, ताकि आप पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर उसके बाद जितने भी उससे आगे थ्योरीज रिलेटेड जुड़े हुए हैं वो आप और आसानी से समझ पाओगे। तो इससे रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं थ्योरीज के लिए वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, साथ ही में डिस्क्रिप्शन में आपको पीपीटी के लिंक्स भी मिल जाएंगे जो कि मैंने खुद बनवाए हैं। तो इसीलिए अगर आप पीपीटी पर्पस से इस वीडियो को देख रहे हो तो आप डायरेक्ट पीपीटी नीचे डाउनलोड कर सकते हो फॉर ₹10, यानी कि आपको सिर्फ ₹10 देने पड़ेंगे इस पीपीटी को डाउनलोड करने के लिए। और जिन लोग के मन में भी ये क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई तुम ₹10 लोगे एक पीपीटी के लिए, तो वो लोग सारे अपने कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, मैं खुशी खुशी सारे आंसर कमेंट सेक्शन में कर दूंगा। तो NBFC का क्या मतलब है? जैसा फुल फॉर्म कहता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग यानी कि बैंक्स नहीं है NBFCs, तो इसीलिए उसका नॉन बैंकिंग नाम है। तो बैंक्स क्या होते हैं, नॉन बैंक्स कैसे अलग हो गए वो समझ लेते हैं। बैंक्स यानी कि वो सारे इंस्टीट्यूशन जो बैंक्स का काम करते हैं। बैंक का काम यानी कि पैसे एक्सेप्ट करना, लोन देना, टाइम डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स, ये सारी चीजें एक्सेप्ट करना। टाइम डिपॉजिट्स यानी कि FD, RD, फिक्स डिपॉजिट्स को टाइम डिपॉजिट कहते हैं, यानी कि जिस टाइम पे आप चाहते हो उसी टाइम पर आप पैसे निकाल सकते हो, यानी कि जो आप 2-5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो आप उसी के बाद उस पैसे को निकाल सकते हो, उसके पहले निकालने में चार्जेस लग जाते हैं। लेकिन डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट यानी कि सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट, यानी कि आप जब चाहे तब डिमांड करो और बैंक आपको उस समय पैसे दे देंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो ये डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। तो ये बैंक्स का काम होता है, और साथ में बैंक्स के पास बैंकिंग लाइसेंस भी होता है। बैंकिंग लाइसेंस का मतलब कि आप एक तरह से समझो कि जो भी बैंक्स के नाम होते हैं उनमें बैंक लगना जरूरी है। HDFC बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सब में बैंक लगना जरूरी होता है क्योंकि वही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है। लेकिन ये नॉन बैंकिंग जो हम लोग पढ़ रहे हैं NBFCs, वो बैंक्स नहीं होते हैं, डिफरिंग नॉट ओनली बाय नेम, लेकिन साथ में वो बैंक की तरह प्योरली काम नहीं करते हैं, यानी कि वो डिमांड डिपॉजिट नहीं लेते हैं, ओनली टाइम डिपॉजिट लेते हैं। टाइम डिपॉजिट यानी कि खाली FD, लोग यहाँ पे आकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं खाली टाइम्स के लिए, कोई टाइमली मतलब डिमांड डिपॉजिट नहीं किया जा सकता है, ना ही यहाँ पे लोग आराम से विड्रॉ कर सकते हैं। साथ ही में ये पैसे लोन पे दिए जाते हैं एज इन बिग इन्वेस्टमेंट्स, नॉर्मल लोगों को इन्वेस्ट नहीं दिया जाता है। और ये ज्यादा हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ NBFCs में, जिसमें कि अलग अलग टाइप्स के अलग अलग जगह इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग NBFCs। साथ ही में NBFCs को शैडो बैंक्स भी कहा जाता है। तो शैडो बैंक्स का टर्म दिया था पॉल मैककली ने, कुली ने, सॉरी जो भी सर आपका नाम है प्रोनाउंसिएशन मैंने सही से नहीं लिया, तो आई थिंक पॉल मैककली, तो पॉल मैककली जी ने बोला था कि ये शैडो बैंक्स है। शैडो बैंक्स किस लिए? जस्ट बिकॉज की बैंक्स यहाँ है, इनका शैडो है NBFCs, जस्ट बिकॉज की ये अल्टीमेटली थोड़ा बहुत काम तो कर रहे हैं इन बैंक्स की तरह आधा 50-50 में, लेकिन बैंक्स नहीं है, सामने नहीं आ सकते बैंक्स की तरह, ना ही बैंक्स का नाम रख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें शैडो बैंक्स भी कहा जाता है। तो NBFCs का एक्चुअली अगर हम लोग एग्जांपल है जो भी टॉप NBFCs हैं जो भी इंडिया में, जैसे कि मुथूट फाइनेंस, फिर उसके बाद टाटा कैपिटल, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस कैपिटल इज नॉट अ बिग नेम, सॉरी, तो रिलायंस कैपिटल एक एग्जांपल है लेकिन बिग नेम नहीं है। साथ ही में आपको मणप्पुरम फाइनेंस आता है, फिर उसके बाद आपको मुथूट फाइनेंस आता है, तो ये सारे टॉप फाइनेंस कंपनीज हैं। तो बजाज फाइनेंस बाय द वे बीइंग टॉप, तो बजाज फाइनेंस सबसे ऊपर NBFCs में, तो NBFCs के ये बेसिक बहुत सारे एग्जांपल्स में से कुछ है। लेकिन NBFCs एक्चुअली सिर्फ इतने नहीं है, NBFCs 15,000 से ज्यादा है एक्चुअली रजिस्टर्ड RBI के पास, जिसमें से 537 के पास लोगों से पैसे एक्सेप्ट करने का लाइसेंस है, बाकियों के पास नहीं है अभी भी। तो वो भी एक्सेप्ट करने का कुछ कुछ लॉज होता है, वो आपको बेसिकली पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो यही आपको जानने की जरूरत है कि ये बैंक्स के तरह काम करते हैं लेकिन फुल्ली ऑपरेटिव नहीं है बैंक्स की तरह। तो आप ये समझ सकते हो ओवरऑल कंक्लूजन में
कि जो एनबीएफसी हैं आपके वो टाइम डिपॉजिट्स लेते हैं बैंक की तरह और साथ में इन्वेस्ट करते हैं डिफरेंट जगह पर। बैंक ज्यादातर आपको इन्वेस्ट करते हुए नहीं देखती है जस्ट बिकॉज की बैंक को अलाउड नहीं है, बैंक लोन देती है, बैंक कहीं इन्वेस्ट नहीं करती है अपने पैसे। तो इसीलिए एनबीएफसी में कासा रेशियो जो होता है, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट का जो रेशियो होता है वो मैटर नहीं करता है, जो कि बैंक्स के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो एनबीएफसी इसलिए भी अलग है बैंक से। और अगर आप चाहो डिटेल में कोई अलग वीडियो, तो मैं अलग वीडियो में एनबीएफसी और बैंक्स के बीच में डिफरेंस में प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा। अब बाकी चलिए आगे हम लोग सबसे पहले टाइप्स जानना शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एनबीएफसी के टाइप्स जानना शुरू करते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं एनबीएफसी के। तो मैं पहले एक बार आपको नाम पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उसको ताकि आपको समझ में आए। तो म्यूचुअल फंड्स इज अ टाइप ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, फिर उसके बाद हेज फंड्स, वेंचर कैपिटल फर्म्स या कंपनीज, मर्चेंट बैंक्स जिसको कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स के नाम से भी जानते हैं, फाइनेंस कंपनीज या लोन कंपनीज जो भी आप कह सकते हो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस स्मॉल, फिर उसके बाद वल्चर फंड्स, इस्लामिक बैंक्स और लीजिंग कंपनीज। ये सारे टाइप्स हैं एनबीएफसी के, यानी कि एक टाइप है जिसके अंदर अलग अलग एनबीएफसी क्रिएट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानते हैं, जस्ट बिकॉज कि ये लोग और स्टॉक एक्सचेंजेस के बीच में मीडिएटर्स का काम करते हैं, तो इसीलिए ये एनबीएफसी है। और सबसे ओल्डेस्ट एनबीएफसी म्यूचुअल फंड वो यूटीआई है, यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म मैंने लिखा हुआ इसे लिखे। तो ये म्यूचुअल फंड है एक टाइप। तो सेकंड आता है इंश्योरेंस कंपनीज, जो कि आपको एनबीएफसी में आती हैं, एंड दिस इज जस्ट बिकॉज की IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1999, तो उस समय ये चीज डिफाइन किया गया था ताकि FDIs बढ़े आपके इंश्योरेंस कंपनीज में, इसीलिए इसे एनबीएफसी में डाला गया है। थर्ड आपको आता है, अब साथ में आपको बता दूं इंश्योरेंस कंपनी का आपको वर्क तो पता ही है यार, अगर आप एक्सप्लेन करना चाहो तो आप कर सकते हो इंश्योरेंस कंपनी का क्या काम है, जनरली लोगों से पैसे लेना बाई सेलिंग योर इंश्योरेंस, तो ये इंश्योरेंस कंपनीज का काम होता है, अगर आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो। थर्ड है हेज फंड्स। हेज फंड्स क्या होता है यार, हेज फंड्स आर जस्ट लाइक कि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, हेजिंग एक टर्म दिया जाता है जिस समय आप अपना रिस्क कम करना चाहो, यानी कि हेजिंग इज जस्ट टर्म्ड एज रिड्यूसिंग योर रिस्क। तो हेजिंग हेज फंड वही होते हैं जिसमें कि आप इन्वेस्ट करते हो अपना रिस्क कम से कम करने के लिए, तो वो भी एक एनबीएफसीज ही होते हैं सारे, एक तरह से जो सारे आपको हेज फंड्स। और बाय द वे इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है कॉर्पस। कॉर्पस इज एन इन्वेस्टमेंट इन रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो यहाँ पे कॉर्पस इसलिए मैंने यहाँ पर रेफर भी किया है जस्ट बिकॉज ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है आपको पढ़ने के लिए। कॉर्पस क्या होता है, कॉर्पस इज एन इन्वेस्टमेंट इन रिस्की इंस्ट्रूमेंट्स विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, यानी कि आप हेज फंड्स में तो इन्वेस्ट कर ही रहे हो जस्ट बिकॉज कि आपको अपना रिस्क रिड्यूस करना है, लेकिन कॉर्पस एक टर्म लिया जाता है जब आप इन्वेस्ट करते हो हेज फंड्स में ही लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो ये थर्ड टाइप होता है आपका हेज फंड्स। फोर्थ आता है वेंचर कैपिटल फर्म्स या कंपनीज। वेंचर फर्म कैपिटल यानी कि जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी एक तरह के एनबीएफसी हैं जस्ट बिकॉज कि वो लोग पैसे लेते तो हैं लोगों से। कौन लोग यानी कि जो इन्वेस्टर्स है जो उसमें पैसे लगाना चाह रहे हैं, तो वो लोग वेंचर कैपिटल में पैसे डालते हैं। 10-20 लोग होते हैं एंजल इन्वेस्टर्स ग्रुप जैसे कि एक एग्जांपल है उसका, तो 10-20 लोग मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं, कंपनी बनाते हैं, उसमें अपने पैसे डालते हैं और वो कंपनी जाकर के कहीं पर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करती है, फिर जो रिटर्न आता है वो लोग अपनी इक्वली डिवाइड कर लेते हैं। तो ये वेंचर कैपिटल फर्म्स होता है। फिफ्थ आता है मर्चेंट बैंक्स, जिसको इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी कहते हैं। तो मर्चेंट बैंक्स इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी एक तरीके के बैंक हैं जस्ट बिकॉज, लेकिन उनका काम बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है। उन लोग मेन आपको एक तरह से आप कह सकते हैं कि अदर फंक्शंस ऑफ बैंक्स में इन लोग के मेन काम होते हैं, जैसे IPO रिलीज करते समय कंपनी को एक मर्चेंट बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक ही सारी चीज प्रोसेस फॉलो करती है। तो ये भी एक एनबीएफसी के टाइप्स होते हैं। ये भी पैसे लेते हैं लोगों से लेकिन इन्वेस्ट करते हैं आपको डिफरेंट जगह पे, जैसे कि IPOs में और उसके बाद अलग अलग जगह फंड रेजिंग जहां पर उनको काम पड़ता है। सिक्स आता है आपका फाइनेंस कंपनीज, जो कि लोन कंपनीज है। तो एक तरह से आप जैसे बजाज फाइनेंस है, होम आपको DDFL और जो भी आप होम फाइनेंस के भी सुनते हो, तो वो भी एक तरह के एनबीएफसी हैं क्योंकि वो लोग लोगों से पैसे लेते हैं लेकिन वो लोग लोन देते हैं आगे हाउस खरीदने के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए, तो अलग अलग चीजों के लिए वो लोग लोन देते हैं। तो ये भी एक तरीके के एनबीएफसी के टाइप्स होते हैं। एट आता है आपको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो फाइनेंस यानी कि बहुत छोटे इंस्टीट्यूशंस, ये भी एनबीएफसी के टाइप्स हैं जस्ट बिकॉज कि इसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटे अमाउंट में और छोटा ही साइज रहता है, लोन भी देते हैं, अलग अलग तरीके के फंक्शन भी करते हैं लेकिन स्मॉल अमाउंट पे। सेवन नंबर आता है आपको माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो फाइनेंस यानी कि छोटे कंपनीज,
जिनका मेन काम होता है आपको बैंक से पैसे रेस करना। इन इंडिया दे मेनली राइज फंड्स फ्रॉम बैंक्स, एग्जांपल बेसिक्स, बंधन, एसकेएस, माइक्रो फाइनेंस। तो इनका काम यही होता है कि वो बैंक से पैसे लेकर के आपको आगे छोटे अमाउंट पे लोगों को लोन देते हैं, छोटे 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 सेक्शंस में, यानी 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे ऐसे, क्योंकि बैंक्स आपको इतना जल्दी प्रोवाइड नहीं करती। बैंक से लाइक यार इतना तो हमारे सेक्शन के बाहर है। तो ये आपको माइक्रो फाइनेंस होता है। 8 आता है आपको वल्चर फंड्स। वल्चर फंड्स क्या होता है? दीज फंड्स बाय स्टॉक्स ऑफ कंपनीज विच आर नियरिंग बैंकरप्सी एट अ वेरी लो प्राइस। यानी कि ऐसे कंपनीज है जो कि जो कंपनीज एकदम एकदम कंगाली के राह पर चल रहे हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, डूबने वाले हैं, और उनका कॉन्सेप्ट सही है, उनका स्ट्रक्चर सही है, बनाया हुआ सही है, उनको ये कंपनीज खरीदती हैं और उनके वापस उनको खड़ा करती हैं, और उसके बाद चाहे तो दोबारा बेच देती हैं या फिर इनसे रिटर्न्स को एंजॉय करती हैं। ये वल्चर फंड्स होते हैं। 9th नंबर आता है इस्लामिक बैंक्स। इस्लामिक बैंक्स यानी कि जो कि शरिया लॉज पर चलते हैं, इस्लाम के लॉज शरिया को मानते हैं, तो इसलिए शरिया लॉज को ये इस्लामिक बैंक्स मानते हैं, जिसमें कि इंटरेस्ट ज्यादातर नहीं लिया जाता है लोन्स पर। ये आपको इस्लामिक बैंक्स होते हैं। और लास्ट होता है लीजिंग कंपनीज, यानी कि जो वो कंपनीज जो कि आपको इक्विपमेंट्स लीज पर अपने दे देती है, यानी कि एक तरह से आप समझ के चलिए कि सामान कुछ देर के लिए आपके आपको आप यूज कर रहे हो, वो सामान अभी आपका नहीं है, लेकिन जब एक बार आप उनके पैसे पे कर देते हो तब वो सामान आपका जाकर के कंप्लीट हो जाता है। लेकिन उस जब तक वो आप पैसे कंप्लीट पे नहीं करते हो तब तक वो पैसे वो सामान लीजिंग कंपनीज के नाम पर होता है। तो वीडियो यार ज्यादा लंबी नहीं हो, इसलिए मैं थोड़ा सा कट शॉर्ट करूंगा, जल्दी जल्दी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेन दो चीज बच रहे हैं हमारे पास, जो कि है पहला रोल ऑफ आपको एमबीएफसी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और थर्ड है आपका फंक्शंस। तो मैं एक बार थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं जाए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें यार। तो सबसे पहला एमबीएफसी का रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मोबिलाइजेशन यानी कि मोबाइल कहते हैं हर जगह ट्रांसफर हो जाने को, यानी कि इजीली आप जिसको ले जा एक जगह से दूसरी जगह ले जा सको, उसे हम लोग मोबाइल कहते हैं। जैसे कि मोबाइल हमारे पॉकेट में, जिसे हम लोग हमेशा इधर से उधर ले जा सकते हैं, वैसे ही रिसोर्सेज मोबाइल करने का रोल होता है एमबीएफसी का। जैसे कि आप एक जगह से आसानी से दूसरी जगह आप रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर पाते हो, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका रोल होता है। यानी कि जो भी सेविंग्स होते हैं वो आसानी से इन्वेस्टमेंट्स में एमबीएफसी के द्वारा कन्वर्ट हो पाते हैं। सेकेंड है रोल कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि एड्स टू इंक्रीज कैपिटल स्टॉक ऑफ अ कंपनी। यानी कि जो भी कैपिटल स्टॉक है, कैपिटल स्टॉक यानी कि जो बेसिक फंड होते हैं जो इन्वेस्ट किए जाते हैं कंपनी में शुरुआत में, जिसके कारण एक कंपनी वर्क करती है, तो वहां पर आपको एमबीएफसी काम आते हैं। जब वो इन्वेस्ट करती है तो कैपिटल बढ़ता है कंपनी का, और वो एक्चुअली और ज्यादा रन कर पाती है। ज्यादा रन कर पाएंगी तो इकोनॉमी को फायदा होगा अल्टीमेटली, बिकॉज दे वुड प्रोवाइड मोर जॉब्स एंड लोगों की जेब में पैसे आएंगे। तो ये आपको सेकंड रोल होता है। थर्ड होता है प्रोविजन ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट एंड स्पेशलाइज्ड क्रेडिट। यानी कि लॉन्ग टर्म तक क्रेडिट पे देती है, जैसे कि स्टार्टअप्स में जो वेंचर कैपिटल्स जो आपको इन्वेस्ट करती हैं, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था एंजल इन्वेस्टर्स, या फिर जो आपको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रही हैं, तो वो सब क्या है, वो लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है कि आप आराम से धीरे धीरे पैसे पे करो। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि यार लोग वो चीज को यूज कर पा रहे हैं, उन पैसों को यूज कर पा रहे हैं बिना टोटली अपफ्रंट पैसे पे किए हुए, जिससे कि फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मदद मिल रही है। फोर्थ होता है एड इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यार एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है लोगों को, जब कंपनीज के पास पैसे आते हैं तो वो आगे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लोगों के पास पैसे आ रहे हैं अल्टीमेटली। फिफ्थ होता है हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स जस्ट लाइक यार जो भी आप फाइनेंशियल मार्केट्स कह लो एक तरीके के, जैसे कि मान करके चलते हैं कि अगर वो कंपनी एनएससी पे लिस्टेड है तो एनएससी भी एक तरह से आप फाइनेंशियल मार्केट कह सकते हो, नॉट एग्जैक्टली, लेकिन अगर हम लोग रेफर करें समझने के लिए तो आप ये कह सकते हो कि यार इससे फाइनेंशियल मार्केट्स का भी डेवलपमेंट होता है। जस्ट बिकॉज की जैसे पैसे ज्यादा पोर इन हो रहे हैं कंपनीज में, तो अल्टीमेटली पैसे ज्यादा रिवॉल्व कर रहे हैं मार्केट में, दिस इज एन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सिक्स आता है आपका हेल्प इन अट्रैक्टिंग फॉरेन ग्रांट्स। यानी कि जितने एफडीआई होते हैं उनमें भी मदद करता है एनबीएफसी, जैसे कि आपको इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड उसको लाया ही गया था ताकि एफडीआई बढ़ सके। एफडीआई बढ़ना यानी कि पैसे आ जाना मार्केट में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट कि जब पैसे मार्केट में बढ़ते हैं तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही हो रहा है। लास्ट आता है हेल्प इन ब्रेकिंग विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी बाय सर्विंग एज गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट। यानी कि गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंट की तरह भी आपको एनबीएफसी काम करते हैं, और इससे अल्टीमेटली पॉवर्टी
नॉट खत्म होता है क्योंकि अभी तक तो हो नहीं पाया, लेकिन रिड्यूस हो पाता है बहुत हद तक क्योंकि आप लोअर लेवल्स तक आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हो। तो कहीं ना कहीं आप जो बीपीएल है, बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग हैं, आप उनको भी मदद कर पाते हो और पॉवर्टी अल्टीमेटली कम हो पाती है। तो अब आता है एनबीएफसी के फंक्शंस, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। एंड आई नो वीडियो लंबा हो गया है, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं ये आठ फंक्शंस। सबसे पहला आता है हायर परचेज सर्विसेज। हायर परचेज सर्विसेज कैसे, ये एक फंक्शन इसलिए है क्योंकि एनबीएफसी का काम होता है कि वो कुछ कुछ चीजें परचेज करती है सर्विसेज या फिर हायर करती है, और साथ में आगे ये चीज ऑन कैरी फॉरवर्ड करके और आगे स्टार्टअप्स को कंपनीज को भी प्रोवाइड करती हैं, जो कि एक फंक्शन है एनबीएफसी का काम करने का। सेकंड आता है रिटेल फाइनेंसिंग। रिटेल फाइनेंसिंग यानी कि जो रिटेल्स होते हैं छोटे छोटे अमाउंट्स में, उनको पैसे प्रोवाइड करवाती हैं एनबीएफसी, जिससे कि एक तरीके के ये आप रोल भी समझ सकते हो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि इकोनॉमी का डेवलपमेंट भी होता है इस चीज से। थर्ड आता है ट्रेड फाइनेंस। ट्रेड फाइनेंस यानी कि अगर कोई चीज हमें खरीदने के लिए पैसे चाहिए तो भी वो एनबीएफसी प्रोवाइड करती है, जिससे कि आप आसानी से कोई चीज ट्रेड कर पाओ एंड अल्टीमेटली आप बिजनेस में ग्रोथ कर सको। फोर्थ आता है इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अगर मुझे कल को ये बिल्डिंग बनानी है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मेरे को वो चीज एनबीएफसी से मिलती है और मैं बाद में उन्हें धीरे धीरे रीपे कर पाता हूँ। फिफ्थ आता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एक तरह से मान के चले कि हमारी कोई लैंड है या कोई प्रॉपर्टी है, एक तरह से कह करके चल देते हैं कोई भी एसेट है, कोई मशीन है, कोई मान के चलते हैं कि यार मैंने फैक्ट्री लगाई हुई है, तो वो भी एक एसेट है। तो एनबीएफसी का फंक्शन होता है कि उन एसेट्स को आराम से मैनेज किया जाए, जिससे कि वो ग्रो कर सके और अल्टीमेटली प्रॉफिटेबल बने। सिक्स्थ आता है आपका लीजिंग सर्विसेज। लीजिंग सर्विसेज जो कि मैंने आपको बताया भी था टाइप्स में, लीजिंग सर्विसेज जस्ट लाइक कि कंपनीज ने एनबीएफसी ने कुछ सामान खरीदा और उस चीज को आगे लीज पे दे दिया कुछ समय के लिए, जब तक वो सामान का पैसा लोग पे नहीं कर देते हैं, लोग यानी कि कंपनी जिन्होंने लीज पे लिया है, तो अगर वो कंपनी पे कर देती है वो पैसे तो उनका सामान हो जाता है, नहीं तो लीज पर छोटे टाइम के लिए यूज करते हैं फिर वापस कर देते हैं। फिर आता है वेंचर कैपिटल सर्विसेज। वेंचर कैपिटल सर्विसेज जैसा मैंने टाइप्स में बताया था, ये भी वही है कि वेंचर कैपिटल को भी फंड करना यानी कि स्टार्टअप को फंड करना, ये भी एक एनबीएफसी का फंक्शन है, जिससे कि स्टार्टअप ग्रो कर सके, अल्टीमेटली प्रॉपर और इन्वेस्टमेंट हो और इकोनॉमी डेवलपमेंट में सहभागी हो सके इसका। लास्ट आता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस फाइनेंसिंग, यानी कि एमएसएमई, जिसे हम लोग जानते हैं एमएसएमईज के नाम पे यही है कि आप जितने भी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस देखते हो जिसका कि इन्वेस्टमेंट 10 लाख 5 लाख हो, उनको भी एनबीएफसी फाइनेंस करती है। अब तो गवर्नमेंट्स और ज्यादा एमएसएमईज पे ध्यान देने लगी है, एमएसएमईज के लिए एक अलग सेक्शन भी है, तो उनको भी फाइनेंस करना एनबीएफसी के फंक्शन ही होते हैं, ताकि वो भी ग्रो कर सके। जो जिन्हें मान के चलिए कि जिन्हें फॉर एग्जाम्पल कोई फैक्ट्री लगानी है, जूते की फैक्ट्री लगानी है, या फिर नॉर्मल कोई स्मॉल फाइनेंस कंपनी लगानी है, या माइक्रो कंपनी लगानी है, जैसे कि मान के चलिए चप्पल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बल्ब मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो कि 2-3 लाख 5 लाख में हो जाती है, तो उनको फाइनेंस करता है एनबीएफसी। ये भी एनबीएफसी के फंक्शन में आता है। तो यार यही था पूरे आज के वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो लंबा हो गया है, मेरे को नहीं पता कितने लोग यहाँ तक देख रहे होंगे, और अगर आप देख रहे हो तो यार लाइक और शेयर करना बनता है, लेकिन साथ में अगर आपको कोई दिक्कत हुई समझने में तो आप नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम लिंक्डइन पर पर्सनली मुझे आकर के मैसेज कर सकते हो, और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की। साथ में जैसा मैंने आपको बताया था कि यार पीपीटीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जस्ट बिकॉज की यार ये मैंने किसी और से बनवाया है, कॉन्टेंट मेरा है और मुझे कुछ पेमेंट उसे करनी पड़ी है, इसीलिए ये चीज एक स्पेसिफिक अमाउंट पे है, और जो कि बहुत लीस्ट अमाउंट है, 10 रुपीज इज जस्ट लाइक यार आप क्या कुछ नहीं है एक तरह से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट लाइक यार जो पीपीटी आपको मिलेगी उसके लिए 10 रुपए इज वर्थ। तो इसलिए जो लोग ये सोच रहे हो कि यार ऐसा क्यों 10 रुपए क्यों चार्ज कर रहे हो, फ्री में क्यों नहीं दे पा रहे, तो उसके लिए मेरे कुछ स्पेसिफिक रीजन है, आप मुझे कमेंट करके या मुझे पर्सनली आकर के पूछ सकते हो। तो और अगर आपको नहीं पसंद आता है, आपको पीपीटीज नहीं चाहिए, तो भी आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो, आई वुड नॉट ब्रिंग आउट पीपीटीज फॉर एनीवन। तो मिलते हैं और कोई ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।